नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिलें। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भींगी हुई किशमिश खाएँ, एनीमिया को दूर भगाएँ और इम्यूनिटी अपना बढ़ाएं। जी हाँ, यही है आज का टॉपिक। अगर आप भी रोज नट्स और किशमिश खाते हैं तो अच्छी बात है, मगर क्या आपको पता है कि अगर आप किशमिश को रात में भिंगो करके खाते हैं तो यह ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। जी हाँ, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 किशमिश के दानों को रात में भिंगो कर सुबह खाते हैं तो इससे कई तरह के रोगों और बीमारियों से बचाव होता है। जी हाँ, साथ ही साथ सेहत भी बेहतर होती है। जानते हैं इसके फायदों के बारे में पूर्ण रूप से। आइए, रात में भिंगो कर रख दें 10 किशमिश। जी हाँ, किशमिश खाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे रात में पानी में भिंगो करके रख दें और सुबह फूल जाने पर खाएं और किशमिश के पानी को भी पी जाएं। भींगी हुई किशमिश में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसमें मौजूद शुगर प्राकृतिक होती है, इसीलिए सामान्यतः इसका कोई नुकसान नहीं होता है, मगर डायबिटीज के मरीजों को किशमिश नहीं खाना चाहिए। किशमिश वास्तव में सूखे हुए अंगूर होते हैं। ये कई रंगों में मौजूद होते हैं, इसे गोल्डन, हरा और काला इन रूपों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कई सब्जियों के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए भी किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में भींगी हुई किशमिश खाने और इसका पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण इम्यूनिटी बेहतर होती है, जिससे बाहरी वायरस और बैक्टीरिया से हमारा शरीर लड़ने में सक्षम होता है और ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपका बीपी इससे सामान्य रहता है। जी हाँ, रात की भींगी हुई किशमिश में वैसे तो सभी के लिए फायदेमंद होती है ये, मगर इसका लाभ उन लोगों को ज़्यादा मिलता है जो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन से परेशान हैं। किशमिश शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। इसमें मौजूद पोटेशियम तत्व आपको हाइपरटेंशन से बचाता है। इसके अलावा शरीर में खून बढ़ाता है ये। जी हाँ, किशमिश के सेवन से आप एनीमिया से बचे रहते हैं, क्योंकि किशमिश आयरन का बेहतरीन स्रोत होता है। साथ ही इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये सभी तत्व रक्त फॉर्मेशन में उपयोगी होते हैं। मिनरल्स की मात्रा काफ़ी होती है इसमें, यह हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दिन भर में 10 से 12 किशमिश ली जा सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि भींगी हुई किशमिश में कैलोरी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इसे नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करने से डाइजेशन से आराम मिलता है, यानी कि डाइजेशन संबंधी आपको परेशानियां रहती हैं, कब्ज की समस्या रहती है तो उसके लिए ये अच्छी औषधि है। मुनक्के रात को भिगो करके रख दें, सुबह उठ करके वो पानी पी लें और किशमिश को चबा चबा करके खा लें। असल में यह फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल होता है। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी ये जानकारी आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच पाए, और ये तभी संभव है जब आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि ऐसी अन्य नई जानकारियां जब भी हम आप सभी के लिए लेकर के आएँ वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।